हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो लीजिए, फाइनली जो है पूरे उत्तराखंड में जल नल योजना के तहत 7783 युवाओं के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। याद हो आपको, हमने कुछ महीने पहले आपको बताया था कि उत्तराखंड के तमाम जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें जो है जल नल मित्र की एक योजना गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से चलाई जा रही है, जिसमें प्रत्येक ब्लॉक में 30 युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। सबसे पहले उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा और फिर रोजगार दिया जाएगा। प्रशिक्षण के दौरान ही उनको जो है यहाँ पर सैलरी भी मिलेगी। कैसे अप्लाई करना है, पूरी डिटेल इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। अप्लाई लिंक और प्लस ये पूरा पीडीएफ आपको हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम के ग्रुप में मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, ज्वाइन करना मत भूलिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो लाइक कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले अनिल कुमार त्रिपाठी, जो कि संयुक्त निदेशक है प्रशिक्षण एवं कौशल विकास, उनका क्या कहना है, चलिए उनको सुन लेते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात की है। उन्होंने कहा है कि हर ब्लॉक में, ध्यान दीजिएगा, हर ब्लॉक में चयनित 30 युवाओं को राज्य के 14 आईटीआई एवं प्लंबिंग सेक्टर का एडवांस प्रशिक्षण दिया जाएगा। उसके अलावा 7783 युवाओं को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य है। ये युवा जल वितरण सहायक के रूप में जल जीवन मिशन की योजनाओं का रखरखाव करेंगे। तो कितनी लंबी और महत्वपूर्ण योजना है सरकार की, उसको आप देख सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं, 7783 युवाओं को प्रशिक्षण देकर जल नल मित्र बनाया जाएगा। इसके लिए हर ब्लॉक से 30 युवाओं को चयन किया जाएगा, यानी कि आपका घर जहां है वहीं पे आप आसपास आपको नौकरी दी जाएगी। उसके अलावा प्रदेश के आईटीआई में सैद्धांतिक और जो प्रैक्टिकल है उसमें भी आपको जो है प्रशिक्षण दिया जाएगा। केंद्र सरकार के जल जीवन मिशन की योजना के तहत ऑन जॉब ट्रेनिंग के लिए लेने के बाद प्रशिक्षित युवाओं को जल वितरक सहायक के रूप में यहां पर ज्वाइनिंग दी जाएगी। जल मित्रों को जेजीएम के तहत ग्राम पंचायत की ओर से लिए जाने वाले यूजर चार्ज से मानदेय की व्यवस्था यहां पर की गई। उसके अलावा यहां पर आप देख सकते हैं, जल जीवन मिशन के तहत घर घर तक जल पहुंचाने का लक्ष्य है। जल वितरण के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए पंचायती राज विभाग प्रत्येक ब्लॉक में 30 युवाओं का चयन करेगी और इसमें जो क्वालिफिकेशन है 12वीं होना जरूरी है, ठीक है। उन्होंने स्किल इंडिया पोर्टल में पंजीकरण कराना होगा। अभी मैं वो पोर्टल भी आपको दिखाऊंगा, पूरा लिंक मैंने जो है और पीडीएफ, यहाँ मैं फिर से बोल रहा हूँ क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट्स कमेंट भी करेंगे, पूरा इस पीडीएफ और प्लस जो है लिंक अप्लाई का वो मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, आप ज्वाइन करना मत भूलिएगा। तो 13 जिलों के 14 आईटीआई में यहाँ पर ये होगा, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं, प्रशिक्षुओं को भी दिया जाएगा प्रशिक्षण। जल नल मित्र योजना से लाभान्वित होने वाले युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए आईटीआई के प्रशिक्षुओं को एनएसडीसी के स्किल काउंसलिंग ट्रेनिंग में जो है ट्रेनिंग भी दी जाएगी। तो उसके अलावा यहाँ पर जो है जो सारे डिटेल्स हैं आप यहां पर देख सकते हैं, हैं? चलिए अब चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो कि स्किल इंडिया के है, जहां पर आपको ये सारी चीज करनी है। गाइस आप देख सकते हैं, ये ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है, आप देख सकते हैं स्किल इंडिया digital.gov.in। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको सबसे पहले यहाँ पर रजिस्टर करना होगा, उसके बाद यहाँ पर जो है आपको लॉगिन करना होगा। तो यहाँ पर आप जैसे ही नीचे आएंगे तो आप देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति NJMST, यहाँ पर आप देख सकते हैं सेक्टर, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है अप्लाई नाउ। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑल स्टेट, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए ऑल स्टेट यहाँ पर है। कोर्स जो होगा इसमें, यानी जो प्रशिक्षण दिया जाएगा NJMSTT, यहाँ पर आप देख सकते हैं जल वितरण संचालक, जो मैंने आपको अभी बताया, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ऑपरेटर मल्टी स्किल, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लम्बिंग। उसके अलावा ये देखें, सारा कुछ यहाँ पर आप देख सकते हैं डिटेल में दिया हुआ है। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं सब कुछ यहाँ पर। इसको मैं आई थिंक PDF डेस्कटॉप बोर्ड में उसको कर लेता हूँ तो और अच्छे से हमको यहाँ पर ये दिखाई देगा, ठीक है। ये आप देख सकते हैं ऑल स्टेट में है, महिला एवं और पुरुष दोनों इसमें जो है अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जल वितरण संचालक वाटर प्लम्बिंग, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अप्लाई करना है। जैसे यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे तो वेलकम टू स्किल इंडिया डिजिटल, यहाँ पर लर्नर और उसके अलावा नीचे पार्टनर, तो हमको यहाँ पर लर्नर वाले जो है सेक्शन पर क्लिक करना है। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर मांगेगा, तो आपके मोबाइल नंबर से ही आपको जो है इसमें
लॉगिन करना है, एक ओटीपी आएगा, फिर सारी जो डिटेल्स हैं वो आपको यहाँ पर फिल करनी होंगी, ठीक है। और अभी के लिए भी इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आपको इसमें अप्लाई करना है। अगर आप अपने से अप्लाई कर देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपने अप्लाई किया या नहीं किया। बाकी अगली वीडियो में हम डिटेल इस पर लेके आएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।